हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आप सभी को मालूम है कि मैं घर पे आई हुई हूँ मेरे पापा के पास। मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और मतलब इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो हमारी किस्मत है कि आज हमारे पापा हमारे साथ है, अदरवाइज मे भी पता नहीं क्या होने वाला था। आज मेरे पापा के सारे टेस्ट हुए हैं और मैं जो MRI हुई है पापा की, MRI, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, ये सब कुछ हुआ है तो रिपोर्ट्स आ गई है। ये पापा की सारे रिपोर्ट्स हैं, जो कि CT स्कैन की, सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड सब कुछ हुआ है पापा का। MRI, सिर की MRI हुई है, क्योंकि मेरे पापा को है ना BP हाई होके पैरालाइज का अटैक था मेरे पापा पे। और वो जो शुक्र है मम्मी पास में थी, टाइम से संभाल लिया और लेके चले गए डॉक्टर के पास। तो अभी डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ दी है, 15 दिन बाद बुलाया है। मेरे पापा को चलने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन ये है कि फिर भी ठीक है। अभी मैं पापा के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि पापा अभी घर पे ही आए हैं, पूरा दिन लग गया उनके। आज इतनी सारी टेस्टिंग, MRI वगैरह जितने भी हुए उनमें टाइम तो लगता है। तो सुबह के गए हुए थे, अब शाम को आए हैं सारे टेस्ट करवा के। लेकिन अब पापा की तबीयत ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब ये है कि 50% रिकवर हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। अभी चाय बना के देख के आती हूँ पापा को और आपको दिखाती हूँ। चाय बना दी है, हनी लेके जा रही है चाय और पानी बाबा के लिए। मेरे पापा खाट पे बैठे हैं और साथ में अपने डेयरी का हिसाब किताब भी करे जा रहे हैं। और दवाई से काफ़ी रिकवरी है पापा के, और ये है कि हाथ पैरों में दिक्कत है, थोड़ा चलने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बाकी ठीक है। साथ के साथ वो अपना काम भी नहीं छोड़ रहे, काम भी किए जा रहे हैं। यहाँ पे हनी और पुट्टू ने सारा काम संभाल रखा है दूध का। बाबा बीमार है इसका, तो अब सारा काम दूध का इसने संभाल रखा है। यहाँ पे दूध आ रहे हैं, ये लगी पड़ी है। और युग यहाँ पे साइकिलिंग कर रहा है, सबसे तेज साइकिलिंग कर रहा है। युग के दोस्त बने हैं और ये भाई तीन। हनी यहाँ पे आ तो गई, लेकिन हनी का मन नहीं लग रहा। अभी इसको कुंजिका की याद आ रही है, बुआ की कुंजिका। किस किस की याद आ रही है? कुंजिका की बस, बुआ की भी। तो रोने वाली है क्या? नो। देख देख देख, आप से रोक रही है, ये रोक रही है। आए हाँ। और पुट्टू तेरे को भी याद आ रही है क्या? नहीं, हमें क्यों आएगी? हाँ हमें क्यों आएगी? ओ भाई रेस लगा रहे हैं, देखो। ओ आराम से भाई, आराम से चला लो। युग के यहाँ पे कुछ दोस्त बन गए हैं, जिनके साथ वो साइकिलिंग कर रहे हैं। और वो देखो फिर तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं। और ये दो लड़के हैं, तो इन दोनों के साथ ये साइकिलिंग कर रहा है। इसके अच्छे वाले दोस्त बन गए हैं ये, इसको बड़े मज़े आ रहे हैं। और बहुत स्पीड में साइकिल चला रहे हैं। युग भी बेटा धीरे, और इसने इतनी तेज तेज साइकिल चला ली, इसका लाल मुंह हो गया है। ये टिकट बांट रही है, इसने बिठा लो गोलू ने बीच में। भाई इसने ना कम चला लिया हो साइकिल, थोड़ा इससे बचा के चलाओ, इसमें घुसाओ मत, चोट खा लेगा ये। चल चला। ए है लावण्या, हनी की सबसे छोटी वाली बहन, हनी और पुट्टू की, बोलो हाय। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? कैसे हो? मस्त हो? मस्त हो। ये लड़की बड़ी मस्त है। लड़की मस्त है। और ये देखो गोलू बीच में बैठा है, ओ तेरी स्पीड में। आगे निकाल रे युग रे, वो तीन जने बैठे, आगे निकाल। बस करो भाई, बस करो, गोलू। साइकिलिंग करने के बाद सारे बच्चे अब लगे हैं नहाने और खूब मस्ती किए जा रहे हैं। युगे मजे आ रहे? नहाने धोने के बाद हम आ गए हैं मुर्गी फार्म देखने।
चोर से मार देगा हम ये। किसने कहा? हम तो सिर्फ युग मुर्गी फार्म दिखाने आए थे, हम तो पहले भी देख चुके हैं मुर्गी फार्म। ना फुटबॉल का मत, युग कल चला जाएगा, इस वजह से हम युग को सारी चीजें दिखा रहे हैं, घुमा रहे हैं जगह जगह पे इसको। वो आ गया उनसे पहले, उनने मेरे से पहले पानी पिया था पर मैं उनसे पहले आ गई। ठीक है, बच्चे तो सारे घूमने गए हुए हैं और मैं और मम्मी यहाँ पे पापा के साथ बातें कर रहे हैं। थोड़ा पापा का मतलब ये है कि बातें करते रहेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब बीमार हो जाता है तो उसके पास कोई बैठे तो उसको भी अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं पापा की बातें सुनने जा रही हूँ। और रात को हम सब ने मिल के बैठ के खाना खाया और आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।